ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਿਆ ਕਰ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਚੁੱਕੋ ਵੀ ਹੁਣ। ਉਹ ਚੁੱਕਦਾ ਯਾਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਬਰ ਕਰ। हेलो, कौन जी? सर जी, मैं बसेरा का मैनेजर बोल रहा। हाँ जी मैनेजर साहब, सब ठीक है? सर जी, शाम नू तुहाडे माता जी ज़्यादा ढिले हो गए सी, कुछ देर पहला ही उन्होंने दमे का दौरा पिया। की होया, फिर दौरा पै गया? हाँ जी सर, पर घबराने की लोड़ नहीं है, तुहानू याद कर रहे सी, सो तुसी सवेरे आके मिल लेना। ज़्यादा सीरीयस? सीरीयस नहीं तो मैं हुणे आ जाना। नहीं सर जी, हुणे आन की लोड़ नहीं है, हुण कुछ ठीक ना, आराम कर रहे ना। ओके सर, गुड नाइट। मैनेजर साहब, माँ का ख्याल रखियो, सवेरे असी आने। की कहंदा मैनेजर? माँ नूं फिर दमे का दौरा पै गया, सीरियस है, चलिए नहीं? पहले भी बतेरे दौरे पे ना कुड़ी नूं, ਸੋ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਚਲੇ ਜਾਇਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਐਵੇਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ। ਸਵੇਰੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ। ਸੋਵੋ ਨਾ। ਜੇ ਏਸੀ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਬਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ। ਡੈਡ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੇਟਾ, ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਰਾਤੀ। ਦਾਦੀ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। ਡੈਡ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੇਰਾ ਇਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਓਕੇ ਡੈਡ। ਪਿੰਕੀ, ਤੂੰ ਚੱਲਣਾ? ਹੈਲੋ, ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ? ਡੈਡ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਆ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ, ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹਾਏ ਕਹਿਣਾ। ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਆਪੇ ਲੈ ਲਓ। ਮੰਮੀ, ਨਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਮੰਮੀ, ਠੀਕ ਹੋ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ? ਹੈਂ, ਕੁਛ ਢਿੱਲੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਛੇਕਾ ਹੀ?
जुकाम हो गया? डॉक्टर नू दिखाया? आओ गुप्ता जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। माँ जी कड़े रूम च ने? चलो गुप्ता जी, पहले माँ को चलते हैं। ठीक है पुत्र, तू सुना, करे सारे ठीक है? मोनी, पिंका, रोजी वो नहीं आए? बहुत दिन हो गए, मैंने मिलने ही नहीं आए। हाँ माँ, मैं भी ठीक है, घर भी सारे ठीक ने। आए नहीं वो तेरे नाल? वो तो सारे आ रहे सी, मैं ही मना किया। मैं क्या, मैं जा रहा माँ नू घर लैण वास्ते, तद किते जा गए मल्ले। चल माँ तू तैयार हो जा, अज जो मर्जी हुए अज मैं तेनू लै ही जाना। वो तो मैनू अच्छी तरह पता है पुत्र, वो सारे मैनू किन्ना कुड़ीक रहे होने हैं, पर हुण ना एहो मेरा घर है, इत्थे सारे मेरे वर्गे ने, मेरे अपने, मेरे सुख दुख के साथी। मैं हूँ कितने नहीं जाना पुत्र। मैं बड़ा अफसोस, मैं तेनों अपने नाल घर नहीं रख सकिया। पापे का जल्दी तुर जाना, बच्चों का पढ़ाई बस ते बाहर चले जा, मोनी दी नौकरी मेरी ड्यूटी। माफ कर दें प्लीज, कर दी माँ मेनू प्लीज। रोना नहीं, रोना नहीं, ना किस
किसी का भी कोई कसूर नहीं, हालात ही इदा दे सी, पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हो सकता मैं माफ कर दी। नहीं ऐदा थोड़ी रोईदा होंदा है, मैं क्या ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुत्र कई दिनों तो ना मेरे दिल च गल है, जे तू आखे तो मैं कवा। दस मां की गल है? वे पुत्र पिछले 5-6 साल तो आश्रम वाले ने ना मेरी बड़ी सेवा की, बहुत सेवा की, मैंने अपने घर की याद नहीं आई, बहुत प्यार नाल मान नाल रखिया मैनू इत्थे, ते मैं सोचती हाँ इत्थे सब कुछ है, कमरे ने, बाथरूम ने, पखे लगे हुए है, टंकियां हैगियां पानी वास्ते, पर ना गर्मियों विच बहुत तकलीफ होंदी है, मच्छर बड़े पैंदे ने, ते तत्ता पानी ना पीता नहीं जाता। तो इस तरह कर पुत्र, आश्रम दे किसे एक कमरे च एसी ते वाटर कूलर लगवा दे। मां गर्मियां मुक चलियां ते तेनू अज मैं घर लै जाना है, ते फिर इत्थे एसी ते वाटर कूलर किदे वास्ते? देख पुत्र रब ना करे तुहानू कदी ये दिन देखना पवे, ते जे आ भी गए मैनू चंगी तरह पता है कि मेरा पुत्र बिना एसी ते बिना वाटर कूलर तो रह नहीं सकता। ये मैं अपने वास्ते नहीं कह रही, तेरे वास्ते कह रही हूँ पुत्र।